मेरा गाइस इन्फिनिक्स का और लावा का सर्विस सेंटर सेम प्लेस पे था, बहुत सी बेकार सी जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे माहौल कैसा है, अजीब सा गंदा टाइप का है। और एक लौता सर्विस सेंटर है यहाँ पे पूरे लखनऊ में, शायद लावा को इम्प्रूव करनी चाहिए। जस्ट सिंगल सर्विस सेंटर, इसको एसी वेसी नहीं लगा अभी भी आपके यहाँ। अरे गर्मी में देख रहे हालत कितना ख़राब है। आए थे हम इसको रिपेयर कराने, पार्ट्स गाइस मैंने ऑर्डर पे लगा दिए हैं। अभी क्या है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि एकदम फर्स्ट हैंड सेट पूरे इंडिया में जो रिपेयर में आ रहा है। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस। राज में देखना है लावा के स्मार्टफोन का सर्विस क्लेम जो होता है वो कैसा है, सर्विस रियलिटी कैसी, सर्विस सेंटर कैसा है। कंपनी बहुत सारे बोल्ड प्रोमिसज करती है, और स्पेशली लावा अग्नि 2 के साथ ऐसा कहा गया कि फ़ोन रिप्लेस कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, तमाम तरह की चीज़ें हैं। वैसे प्रीवियस स्टिंग ऑपरेशन हमने सारे ब्रांड्स तो कवर करके आपको दिखाए थे, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल एक्सपीरियंस भी देखते हैं लावा फ़ोन के साथ कैसा है। सभी ब्रांड्स के मैसेज टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि कंपनीज किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करती है, तो ऐसे वीडियोस हम गाइस बनाते रहते हैं। और ये एक्सपीरियंस गाइस वेरी कर सकता है आप किस सिटी में रिपेयर कराते हैं। अभी करेंटली मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो यहाँ पर जस्ट सिंगल सर्विस सेंटर है जैसे आपने देखा होगा। फिलहाल सारी बातें आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे रिपेयर करवा सकते हैं। रिपेयर कराने से पहले फ़ोन मेरा किस कंडीशन में था वो मैं आपको दिखाता हूँ। आत्मा आ गई लगता है इसमें, परेत हो गई। यहाँ पे किसी एरिया में भूत रहते हैं, यहाँ पे रहता है। अपने आप ऑन किया है ना फोन? फ़ोन कम्प्लीटली डैमेज हो गया था, आई थिंक अंदर बाहर के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी। फिलहाल आपने देखा कि फ़ोन अभी टेप से लगा हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही रिपेयर हुआ है। अभी थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है और बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये सब ऑफिशियल पार्ट हैं, ऑथराइज पार्ट हैं जो फ़ोन में रिपेयर हुए थे। इसमें डिस्प्ले है और स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी कंपोनेंट्स हैं। सो लावा का प्रोसीजर क्या है रिपेयर करने का? सबसे फर्स्ट देखिए, आई थिंक लावा इज़ द ओनली कंपनी जहाँ पर आपको फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। जितना मैंने फील किया, आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो सर्विस सेंटर जाके भी फ़ोन को रिपेयर करवा सकते हैं, अगर पार्ट्स हैं तो इमीडिएटली रिपेयर हो जाता है, पार्ट्स नहीं है तो ऑफ कोर्स ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। पार्ट्स दिल्ली से आते हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हो सकता है 4 से 5 दिन या 1 वीक लग सकता है पार्ट्स आने में। सेकेंड बिगेस्ट ऑप्शन जो लावा में है वो होम रिपेयर का है, तो मैं आपको कुछ प्रोसेस दिखाता हूँ रिपेयर का। इन बिटवीन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे लावा के जो एग्जीक्यूटिव आए थे कि उसमें रिपेयर का क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें पहले आपको मैं दिखाता हूँ। कहाँ से आते हैं पार्ट बन के इसके? ये पार्ट अपनी मदर वेयरहाउस है अपना नोएडा में, वहीं बनते हैं कि कहीं बाहर से आते हैं बनके? हम एक्चुअली पार्ट्स का मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम पार्ट आउटसोर्स करते हैं अलग अलग वेंडर्स से, चाइना वीना इंडिया सब जगह से। मैक्सिमम इंडिया से ही, जो मेन बोर्ड है मदर बोर्ड है वो सब तो बाहर से आता होगा, बस उसके मैन्युफैक्चर वो बनता ही नहीं होगा यहाँ पे, तो आएगा कहाँ से? ठीक है। और बैटरी वैटरी ये तो इंडियन ही होगी ना? हाँ, ये सारे हमारा एज पर हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पार्ट्स का लोकलाइजेशन हमारा ही है। कितनी कॉल जैसे जनरली आपकी आ जाती हैं रिपेयर की लावा में, कितनी कॉल हमारे पास स्मार्टफोन की कॉल्स? अगर केवल लखनऊ लखनऊ की हम बात करें तो पर डे 5-6 कॉल्स होम सर्विस की केवल आती हैं। मैं भी वहाँ पे सर्विस सेंटर में भी देखा था, तो इसे बहुत रश रहता नहीं है? नहीं। और जो ये प्रॉब्लम आती है जनरली किस टाइप की ज़्यादा आती है, जैसे स्मार्टफोन में किस टाइप की? अभी की अगर मैं बात करूँ जो ये अभी चल रहा है, तो अभी मैक्सिमम कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि फ़ोन हीट कर रहा है और बैटरी कम चल रही है, और जो कि मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि होता है इस सीजन में। कोई फॉल्ट का कभी आता है कि जैसे ये जैसे कि फ़ोन जैसे रीबूट हो रहा है या डिस्प्ले में कुछ ग्रीन लाइन आ गई या कुछ ऐसा आ गया कुछ अपने आप अपडेट के बाद? ऐसा होता है ना कि रेडमी में जैसे कि मदरबोर्ड डेड हो जा रहा है, आप इसमें कुछ ऐसा हुआ आज तक? नहीं, अभी अपने यहाँ क्या है कि मॉडल स्पेसिफिक कोई मास फेलियर टाइप का नहीं आया है, मतलब जैसे कोई पैटर्न नहीं आया जिसको हम बता सके कहाँ ये पैटर्न में फेलियर हो रहा है। किस किस टाइप की प्रॉब्लम जैसे आपको पता हो कि ये आज जैसे हीटिंग की आ गई आपने बोला, और उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम आई है? इसके अलावा हीटिंग के अलावा आप मान के चलिए कि कभी जैसे कस्टमर के पास अब सॉफ्टवेयर अपडेट आया, वो अपडेट पूरी तरह से नहीं कर पाया, अपडेट मुझे फेल हो गया, तो उसका फिर फोन लैग करने लगेगा, फिर हैंग करने लगेगा, या कई बार फोन ऑटो रिस्टार्ट भी करने लगता है, इस टाइप की दिक्कत आती है। इसके अलावा मैक्सिमम तो फिर आउट वारंटी का आते हैं कि फ़ोन टूट गया, बैक पैनल टूट गया, फ्रंट कवर टूट गया, इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। अच्छा, तो वो तो पेड रिपेयर में आ गया ना, ऐसा कोई क्वालिटी वाला नहीं आ रहा है कोई भी? नहीं नहीं, ऐसा कोई मास फेलियर टाइप का है नहीं। पिछली बार जो अग्नि में आपके में थी कि 6 मंथ की शायद वो थी ना कि डिस्प्ले आप लोग रिप्लेस कर दे रहे थे, टूट जाता था? हाँ, फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट थी, मतलब किसी भी केस में था ना वो डैमेज केस था, वन टाइम टूट गया तो डैमेज किया 6 मंथ। तो इस बार अब क्यों खत्म कर दिए, क्या फायदा? मॉडल स्पेसिफिक होता है, जैसे किसी में हम अभी वो अग्नि में भी है, पुराने वाले में अभी भी है, इसमें नहीं है, परचेस करेंगे उसमें है, तो उसमें हम बस वो हमारा एक क्या कहते हैं प्रमोशनल टाइप का चीज था, इसमें हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं।
कोई भी हार्डवेयर फेलियर आएगा आप रिप्लेसमेंट ले लो, हम फोन रिपेयर नहीं करके देंगे। इसका प्रोसीजर क्या है, जैसे क्लेम रेस कर, जैसे रिपेयर रेस करना हो तो क्या प्रोसीजर उसका है? इसमें तो आप जैसे किसी कस्टमर का फोन खराब होता है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो पर्सनली विजिट करे सर्विस सेंटर, या तो होम सर्विस की कॉल लॉक करे। कॉल लॉक करने के लिए क्या प्रोसीजर? होम सर्विस की कॉल लॉक करने के आपके पास तीन प्रोसीजर है। पहला तो आप सीधे कस्टमर केयर को कॉल कर लो, वो आपके अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। सेकंड केस है आपके पास हर बॉक्स में नंबर एक दिया होता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप, हां व्हाट्सएप पे आप, अच्छा वो अग्निमित्र के जिस पे तो कांटेक्ट होता है। हां जी हां जी, तो आप ऐसे अग्निमित्र हैं? मैं अग्निमित्र हूं। अच्छा, तो ये एक अग्निमित्र कितने लोगों को असाइन होता है, लगभग एरिया वाइज शहर वाइज कितना होता है? जो एएसएम्स हैं, जो भी एरिया सर्विस मैनेजर हैं, उनकी जो डिफाइंड टेरिटरी है उसमें वो अग्निमित्र है। लखनऊ में तो एक सर्विस सेंटर है, तो कितने अग्निमित्र हुए लगभग? एक पूरा लखनऊ आप हैंडल करते हो? बिल्कुल, मैं लखनऊ टेरिटरी पूरा हैंडल करता हूं, नॉट ओनली लखनऊ, लखनऊ सीतापुर। ये ज्यादा लोड नहीं है? अच्छा, ये बैटरी आज तक कभी लावा की ऐसा हुआ है कि कभी केस आया हो कि फूल गई हो या ऐसा? हाँ, स्वेल के आते हैं, जैसे हाँ, जैसे फोन कस्टमर रात भर लगा के चार्जिंग में छोड़ दिया। अच्छा, तो वैसे केसेस में जनरली बैटरी क्या होती है कि स्वेल लगती है, बैटरी के नाम पे दग ना जाए कहीं, तो वो कंपनी उसको वारंटी में कवर कर देती है। हम वारंटी में उसको लेते हैं, उसमें कस्टमर की ऑल्दो एजुकेशन का इशू है कस्टमर का, बट फिर भी हम लोग अपने पे लेते हैं। अच्छा, पोको रेड में होता है क्या ऐसा कि अगर बैटरी फूल जाती है तो वारंटी में कवर होती है? वो नहीं होती ना शायद? नहीं, बहुत सारी कंपनी नहीं देती। आप देते हो? हम देते हैं कि बैटरी फूल गई, हाँ तब भी हम वारंटी देते हैं। आपके फोन में जितनी सारी चीजें डैमेज है ना, मुझे लग रहा है कि इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो एक्चुअल फोन के बराबर के लगभग पहुंच जाएगी। अच्छा, साल भर में अग्नि के कितने रिपेयर होंगे अंदाजे से आपको लखनऊ में? जैसे लखनऊ में पूरे साल में? हाँ, मतलब आपको कुछ आइडिया हो कि 100, 50, 200, 500? देखो, मैं तो अभी जनवरी से यहाँ हैंडल कर रहा हूँ टेरिटरी लखनऊ। साल, ठीक है, जनवरी से अब तक तो 6 महीने हुए करीब। 6 महीने में आप मान के चलो कि मंथली ऑन एन एवरेज अग्नि के 3-4 केस, दो केस अग्नि के थे, दोनों को यही शिकायत थी, हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनको लग रहा था हीट बहुत ज्यादा कर रहा है। उसके से आप कस्टमर क्या बताते हो कि भाई मैं कहूँ हीट कर रहा है तो आप क्या बताओ कि क्यों हीट कर रहा है? फोन को हीट करने का एक ही रीजन होता है, वो होता है फोन के अंदर शॉर्टिंग, कुछ ना कुछ शॉर्ट कर रहा है जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन हो रहा है और हीट कर रहा है। ठीक है, अगर हैंडसेट के अंदर शॉर्टिंग नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो फिर बाहर का जो टेम्परेचर है जनरली अभी जो चल रहा है उसके वजह से शॉर्टिंग होती है, तो उससे तो फोन खराब भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो शॉर्टिंग हो क्यों जाती है अपने आप की, मतलब कैसे शॉर्टिंग? अब देखिए, शॉर्टिंग होने के कई सारे रीजन है, हो सकता है फोन आपका गिरा, कुछ कंपोनेंट आपस में सड़ गया हो उसके बाद, है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे जैसे आप यूज करते जाएंगे वो धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर एरिया हीट कर रहा है, या तो आप चार्जिंग रात में लगा कर छोड़ दिए तो पता चला जो चार्जिंग आईसी होती है उसकी वो कंपोनेंट उसका खराब हो गया तो वहाँ भी हीट करता है। डिस्प्ले में कभी ऐसे आपको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ली है कि डिस्प्ले जैसे खराब हो गया हो अपने आप, या पिक्सल डेड हो गए हो, या ग्रीन लाइन आई हो कभी लावा के फोन में, ऐसा कभी आपको नोटिस हुआ सर्विस में अभी तक कि डिस्प्ले रेट, मतलब डिस्प्ले टूटा ना हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम निकली हो डिस्प्ले में ऐसा? हाँ, यूज करते करते फॉल्ट आ जाना जिसको आप कह रहे हैं ना, यूज हाँ, करते करते फॉल्ट आ गई। साल भर के अंदर किस तरह की फॉल्ट? मतलब मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कभी डिस्प्ले की लाइटिंग नहीं आ रही है, मतलब अच्छा, लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, डार्क सा स्क्रीन आ रहा है, या लाइनिंग तो ऐसे ज्यादा नहीं आया, एक दो कितने केस हुए होंगे? एक दो केस? हाँ, मतलब कोई वैसा कोई पैटर्न नहीं है, वो भी बहुत कम। हाँ, फाइनली फोन रिपेयर हो गया, और मुझे इस फोन को रिपेयर करने में जो प्राइस लगा वो लगा 11,075 रुपये, एक्सेप्ट मदरबोर्ड, सारी चीज़ें मेरे इस फ़ोन की चेंज हो गई हैं। तो मुझे यहाँ पे दो थोड़ी सी अलग चीज फील हुई जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ कोर्स, रिपेयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैंने कंप्लेंट रेज की तो एक दिन छोड़ के सेकेंड डे कंप्लीट पार्ट लेके बंदे घर पे आए और उन्होंने पूरा फ़ोन रिपेयर किया था, राइट? एक्चुअल रिपेयर एस्टिमेट आपके फ़ोन के हिसाब से अलग हो सकता है, डैमेज के हिसाब से मेरे में इतना लगा था। तो मुझे यहाँ पे दो थोड़ी सी क्वालिटी इशू फील हुई। फर्स्ट, रिपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं फ़ोन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो बटन है ना, वॉल्यूम लो बटन, ये थोड़ा सा प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया, लाइक बहुत टाइट है। टॉप वाला तो थोड़ा सा क्लिकी फील है, लेकिन बॉटम वाला थोड़ा सा प्रॉपरली फिक्स नहीं है। तो माइनर क्वालिटी कंट्रोल इशू है जो कि शायद दोबारा फिर से बटन लगा के फिक्स की जा सकती है। सेकेंड, मुझे यहाँ पर ये लगा लाइक यू नो, जो फ़ोन का लोअर पीसी भी था वो चेंज किया गया है। यूजली आप देखते हैं कि मैं सभी फ़ोन्स के सिम कार्ड्स को चेक करता हूँ, आई मीन सॉरी सिम ट्रे को, फिर उसमें इंसर्ट करता हूँ और सभी फ़ोन्स में यूज़ भी करता हूँ तो प्रॉपरली वर्क करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा नोटिस किया, मुझे ये कहा गया कि आपने जो डैमेज सिम ट्रे अंदर डाला उससे लोअर पीसीबी डैमेज हो गई है। तो बहुत ह्यूज कॉस्ट तो नहीं, आई थिंक 1000-1500 के आसपास ही, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया जो आज तक मैंने
कहीं नोटिस नहीं किया था, तो हो सकता है यहाँ पे इनसाइड पीसी भी बहुत स्ट्रॉन्गर ना हो, इसीलिए शायद ऐसी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिप्लेसमेंट की क्या पॉलिसी है। रिप्लेसमेंट की पॉलिसी ये है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकलती है, जैसे कि मदरबोर्ड में कुछ सॉर्टिंग हो जाए अपने आप, कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक विदाउट एनी फिजिकल डैमेज, अगर कोई भी इंटरनल डैमेज हो जाता है, देन कंपनी आपको रिप्लेसमेंट ऑफर करती है। उस केस में पूरा बॉक्स सारी चीज़ें चली जाती हैं और आपको नया फ़ोन मिल जाता है। इन द समरी में सर्विस कैसा रहा, तो उसमें कई बातें हैं, लाइक प्राइस कितनी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, रिपेयर टाइम कैसा है और क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है। तो स्टाफ का बिहेवियर ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा था, ऑफिस में भी बहुत अच्छा लगा सर्विस सेंटर में, और जो घर पे रिपेयर करने हैं उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि वो वेरी कर सकती है, कभी कभी पार्ट्स तुरंत होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो उस केस में तो पॉइंट्स नहीं काटे जा सकते बिकॉज पार्ट्स दिल्ली से आते हैं, वेयर हाउस से, तो वो अलग सीन हो सकता है। थर्ड, जो रिपेयरबिलिटी, वो बहुत जल्दी रिपेयर हो गया, लाइक जिस दिन मैंने बुक किया जस्ट उसके दो दिन के अंदर ही फ़ोन रिपेयर हो गया। प्लस होम विजिट का रिपेयर है, वो सबसे बिग डील है जो किसी भी कंपनी में नहीं मिलता है। इतनी गर्मी 46 डिग्री में आप घर बैठे बैठे रिपेयर करा ले रहे हैं डिवाइस को, दैट्स दी बिग पार्ट। प्राइसिंग भी मुझे ओके लगा, लाइक ये फ़ोन 22,000 का मिल रहा है और इतना एक्सट्रीम कंडीशन का डैमेज हुआ था फिर भी जस्ट 11,000 लगे, तो डिस्प्ले रिपेयर कराने में बहुत हाई कॉस्ट नहीं लगा। इवन तो डिस्प्ले काफ़ी गुड है, तो आप थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में इस फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं। तो ओवरऑल लावा का सर्विस मुझे तो बहुत सही लगा। बाकी फ़ोन कैसा, आपने कंपैरिजन रिव्यूज देखा होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस विद स्टिंग ऑपरेशन दिखाते रहते हैं आपको। नेक्स्ट किसी ब्रांड को देखना तो डू लेट अस नो द कमेंट। सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।